अलीगढ़ वाले, इंदौर वाले, महाराष्ट्र वाले, उसके बाद में उड़ीसा वाले, तुम जितना संगठन करेंगे तो बच्चा जब रोता है, जब तक बच्चा रोता नहीं, जब उस वहां तक उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती, तुम जब तक रोएंगे नहीं तब आवाज नहीं उठाएंगे, तो जब तक सरकार को कोई पसीना नहीं आएगा। क्यों? ये असलियत है। और ये अभी तक मैंने आप लोगों को जो संदेशा बोला, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, हम भूखे हैं, हम हमारा हक मांग रहे। क्या मांग रहे? हम हमारा हक मांग रहे, इसलिए हम भूखे हैं, हमारा हक हमको दे दो। मोदी साहब, अपना जो इदाते आयोग है उनको तुम निवेदन करो, तुम्हारे कौन से ऑफिसर है, सब लोगों ने अपना हमारा अर्ज स्वीकार करो, हमारी देवराज भैया की जो मांग है वो मांग तुम पूरी करो, हम हमारा हक का मांग रहे, हम भीख नहीं मांग रहे सरकार से। ये ख्याल में रखो सब लोगों ने, हम हमारा हक मांग रहे, हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे। आज देश स्वतंत्र हो गया, आजादी मिल गई, आज कितने साल हो गए इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो भी हमारी दो तीन पीढ़ियां ऐसे मर गई। हम जंगल पहाड़ में रहने वाले लोग, हमारे पढ़ाई के लिए खर्चा होना, और जो जो भी मांगे हमारे देवरा भाव राठौर ने मांगा है राष्ट्रीय बंजारा मिशन से, तो वो मांगे आप पूरी करो। ये दिल्ली में जो हमारा लक्की शाह बंजारा है, वो चांदनी चौक में गुरुद्वार है, हमारे लक्की शाह बंजारा का यहाँ चौक होना चाहिए, वो हमारा समाज है, वो हमारा समाज का एक दाता है। और उसी के बाद में ये संसद भवन हमारा है। पुराना इतिहास निकालो, पुरानी हिस्ट्री निकालो, पुराना इतिहास निकालो, पुरानी हिस्ट्री निकालो, ये संसद भवन हमारा है, हमारा खुद का है, बंजारों का है। इसलिए हमारे सेवालाल महाराज ये हैदराबाद से दिल्ली तक गहू और चावल का व्यापार करता था, नमक गहू चावल हैदराबाद से दिल्ली को लाता था, या दिल्ली वाले लोगों को ये भोजन, ये लोगों को नहीं, क्या यहाँ व्यापार करके लोगों को यहाँ तक पब्लिक तक देता था। ये हमारा समाज व्यापारी है, हमारा समाज मेहनती है, हमारा समाज नहीं क्या कोई भी काम रहा तो हमारा समाज करता है, जंगल का काम हमारा समाज करता है, बिल्डिंग का काम हमारा समाज करता है, गन्ना काटने को हमारा समाज जाता है, बावड़ी खोदने को हमारा समाज जाता है, हम किसी का हराम का खाते नहीं, हम किसी पर हुकुमशाही नहीं करते, हराम का नहीं खाते, हम हमारा हक मांगते, मेहनती समाज है, दरिया खोरिया जंगल पहाड़ में रह के कंदमूल खा के मेहनत करके पेट भरने वाला ये हमारा बंजारा समाज 13 कोटि इस देश में है। फिर हमारे समाज पे तुम लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये हमारा कहना देवरा भाव राठौर को है और सब पब्लिक को भी है, इसकी जानकारी आप समझ के लो, और इस हिसाब से आप उसका न्याय मांगो। जितने भी लोग आए वाले हैं यहाँ, बड़े बड़े नेता जी, सबको मेरी विनंती है, आप ज्ञानी लोग हैं, आप बुद्धिमान हैं, हर पक्ष में रहते हैं, तो हम हमारा हक दो, हमारी मेहनत की रोटी हमको दो, हमारे मेहनत की रोटी पे अगर किसी ने हमला करा तो हमारे सेवादास महाराज के बोले हमारे गरीब अंजय लूटन खाए और 14 पीढ़ी नरके में जाए, हमारे बंजारा समाज को जो लूट के खाएगा उसकी 14 पीढ़ी का सत्यानाश होगा। और उसी के बाद में हमारा सेवादास महाराज का एक ही कहना है, 7 समुद्र पल मलान चेनी सेवा भाया शरीर को ये जगह में दियो चीनी, 7 समुद्र के आगे कोई पता नहीं, और सेवादास महाराज जैसा भगवान इस दुनिया में नहीं। हर लोग तुम अपने अपने धर्म का अभ्यास करो, क्रिश्चियन धर्म का अभ्यास करो, उसके बाद में जैन धर्म का अभ्यास करो, और इस्लाम धर्म का अभ्यास करो, हर धर्म का अभ्यास करो। सबसे बड़ा जो हमको सम्मान मिला निजाम बादशाह ने, हमारे सेवादास महाराज को दिल्ली और हैदराबाद में सम्मान दिए वाला है, ये हमारे पास इतिहास है। अभी भी जब सेवादास महाराज 3755 गया चराते थे, तब वहाँ हैदराबाद में
निजाम बादशाह के खेत में 3,755 गया, सब फसलें खा गई। और उसके मुनीदार ने बोला, ये कौन सा फकीर है, बोले ये कौन सा फकीर है, बोले अपने फसलें खिलाता, बोले उसको हमारे दरबार में ला कर खड़ा करो, बोले उसको हम, बोले उसको कटड़ी देंगे, बोलते जेल की कटड़ी देंगे बोले। तो उनके मुनि ने आके सेवादास को महाराज को बताया कि तुम्हारे जनवर ने हमारे निजाम का खेत खा लिया, हमारे सरकार ने तुमको हमारे दरबार में बुलाया है। सेवादास में वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद में इज्जत के साथ निजाम बादशाह ने सेवादास महाराज को मुद्रा करने वाला है, ये इतिहास है, हैदराबाद में जाके देखो तुम। वहाँ हैदराबाद में सेवालाल नगर करके वहाँ मुस्लिम समाज उनका नहीं का सम्मान करते हैं, ये हमारा पुराना इतिहास है। सेवादास महाराज इतना बड़ा है कि दुनिया में उसकी गिनती नहीं, कई लोगों को उसका ज्ञान नहीं, वो क्या बोलते हमारे मन है, जिसको अक्कल जन मातो चेनी वो नातो चेनी, जन मातो चेनी वो नातो चेनी, जिसको उसको बोलते मैन हैज पावर ऑफ द स्पिरिट माइंड बट एवरीथिंग मैन इज एवरी सब्जेक्ट, हनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऐसा है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका समझ में बात आई क्या? प्रामाणिकपना यही ईमानदारी है, नहीं तो बोल बच्चन अमिताभ बच्चन ऐसा कहने से कोई काम नहीं चलेगा, यहाँ पे झूठा काम नहीं चलेगा, झूठा आएगा वो मर जाएगा। मैं तो बोल रहा देवराज भैया को, भैया ये तेरा संघर्ष बहुत अच्छा है, मैंने बहुत आंदोलन देखे, इसके पहले भी देख चुका हूँ, ये मेरी पहली बार नहीं, ये मेरी 10वीं बार है यहाँ जंतर मंतर पे धरना आंदोलन करना, मोर्चा करना, संघर्ष करना। तो मैंने क्या बोला, मैन हैज पावर ऑफ द स्पिरिट माइंड बट एवरीथिंग मैन इज एवरी सब्जेक्ट, जिसको इंग्लिश समझता है उसने समझ लेना, जिसको समझता नहीं वो दिमाग को टेंशन नहीं लेना, उसने छोड़ देना। और कोई सरकार से हमको कोई ऐसा प्रेशर नहीं डालने का, हम हमारा हक का दो, मोदी साहब हम हमारा हक दो, हमारे पे हुकुमशाही मत चलाओ, कोई सरकार हो, कांग्रेस करो, राष्ट्रवादी करो, सेने करो, टीडीएस करो, कौन सा ही सरकार हो, सरकार से हमको कोई ज्यादा प्रेशर नहीं डालने का, हम हमारा हक दो, हमारा बंजारा समाज एक है, हमारा रोटी बेटी व्यवहार एक है, हमारा सोन त्योहार एक है, हमको एक सूची में पूरे देश के कन्याकुमारी से पौरा देवी से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी पौरा देवी से कन्याकुमारी तक पूरे देश में हमारा एक समाज है, हमको हमारे समाज पे अन्याय मत करो, हमारे पे अन्याय करेंगे तो हमारा सेवादास महाराज तुम्हारा सत्यानाश कर डालेगा। ये हकीकत है, ये सेवादास के बोल है, सेवादास के बोले मैं पंजाब देश में जन्म लूंगा, सेवादास महाराज ने क्या बोला, मैं पंजाब देश में जन्म लूंगा, अख्तर बख्तर मेरा पेरा रहेगा, और पहचानने वाला बहुत किस्मत वाला होगा, वो तकदीर वाला होगा, पहला भगवान का दिया हमारे महाराष्ट्र के अंदर रेणुका माता के लगाएंगे, यहाँ दिया लगाएंगे, और दूसरा गाती हमारे उधर नागपुर महाराष्ट्र में नागपुर में वहाँ नहीं क्या गाड़ी स्थापन करेंगे, और तीसरा दिया हमारे पौरा उमरी में आएगा, पहचानने वाला वो बहुत बड़ा भाग्यवान होगा, ये सेवादास महाराज का अवतार का रूप अभी सब लोग तुम धारण करो, अपना हक अपने को मिलेगा, जरूर मिलेगा, गुर्जर समाज को हक मिल सकता, उनको ये सहूलत मिल सकती, महाराष्ट्र के हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने वो मराठा समाज को पहले तो उनको ने क्या 19% का आरक्षण है, अभी मराठा समाज को 16% का आरक्षण दे दिया महाराष्ट्र के समाज को, देखो। और हमारे बंजारा समाज के हमारे नेता ने हमारा इतना धींगा ना करे देवरा भाऊ, हमारे बंजारा समाज में हमको 3% आरक्षण आन 42 जाति उसमें घुसा डाले, इतना बड़ा हमारा अन्याय हो रहा, हमारा समाज को हमको नहीं क्या आरक्षण दो, एसटी शेड्यूल ट्राइबल यही हमारा समाज का आरक्षण दो, ये मोदी साहब को विनंती है, अमित शाह साहब को विनंती है, मीडिया वाले हैं या पेपर वाले हैं, पुलिस वाले हैं, और कुछ जो भी उनके खुफिया वाले हैं, सीबीआई वाले हैं, सबको ये बात की नोंद करो, उल्टा सिल्टा काम मत करो, उल्टा सिल्टा हो जाएगा तो तुम्हारा भी उल्टा सिल्टा हो जाएगा।
अगर हमारे साथ का कोई गद्दारी करेगा, कोई ऑफिसर हो, कोई खुफिया वाला रहो, सीबीआई वाला रहो, एंटी करप्शन वाला रहो, मीडिया वाला रहो, पेपर वाला रहो, अगर उल्टी चालची उल्टी अगर तुम नरेंद्र मोदी साहब के पास और नीति आयोग के पास उल्टी पॉलिसी करेंगे तो तुम्हारा भी सत्यानाश हो जाएगा। और 15 अगस्त 1947 में आपने को स्वतंत्र मिला तो क्या मिला? अपने ऊपर हमारे ऊपर राजनीति खेलने लगे लोग। देवरा भैया अपने ऊपर बंजारों समाज पर पूरे देश में राजनीति खेल रहे। क्या राजनीति खेल रहे हैं? एक समाज हमारा एससी में है, एक समाज ओबीसी में है, एक स्टेट में हमारा समाज ओबीसी में है, एक स्टेट में एससी में है, महाराष्ट्र में हम विजयंती में है और कर्नाटक में हम एसटी में है। ये क्या हो रहा है? ये गुंडागर्दी हो रही है, ये राजनीति पूरा गुंडों का खेल हो रहा है। राजनीति किसकी हो रही है? गुंडों का खेल। कोई पक्ष का रहा राजनीति वाला, ये गुंडा बन रहा है, गुंडा चोर डाकू बन रहा है। और उसी के बाद में दिल्ली में लक्की शाह बंजारा, ये 1,500 एकड़ भूमि हमें लक्की शाह को नाम का 2 एकड़ मिले। क्या कहना है हमारे हमारे अध्यक्ष साहब का कहना है, दिल्ली में लक्की शाह बंजारा का हमको 1,500 जो भूमि है लक्की शाह बंजारा का, ये 1,500 जो भूमि है वो भूमि नहीं कि हमको सिर्फ 2 एकड़ होना। देखो हम कितनी शर्म की बात है, 1,500 हमारी जमीन यहाँ दिल्ली में है, हम सिर्फ 2 एकड़ मांग रहे, यानी तो हमारी हिम्मत कितनी है? तुम कितने हिम्मत वाले हैं, हम कितने हिम्मत वाले, इसका डिफरेंस देखो। डिफरेंस बोले तो फरक। तो मेरा कहना ये कि है, सब राजनेता को, सब पक्ष वाले को, बैठे वाले सब व्यासपीठ नेतागण को और हमारे राष्ट्रीय मिशन के अध्यक्ष देवरा भाऊ राव राठौड़ को और आने वाले पब्लिक को मेरी विनंती है, मैं कोई ऐसा गलत बात नहीं बोल रहा, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। क्या बोलते हैं, आग लगी दिल को तो दर्द मुझे होता है, आग लगी दिल को तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर होता है। भैया देवरा भैया तुम अकेले ही चले, देवरा भैया राठौड़ राष्ट्रीय मिशन लेके अकेले ही चले जानी बेमंजिल। लोग जुड़ते गए, देवरा भैया का कारवा बनता गया। क्या बोला? देवरा भैया अकेले ही चले जानी बेमंजिल, लोग जुड़ते गए, देवरा भैया का कारवा बनता गया। कारवा बनाने को ज्यादा टाइम नहीं लगता, सत राह पे चलो, तुम्हारा कारवा जरूर बनेगा। सेवालाल महाराज देवरा भैया का कारवा बनाता ही रहेगा। ये हमको सेल्फ माइंड बोलते, जिसको इंग्लिश समझता वो समझो, जिसको समझता नहीं छोड़ दो, टेंशन लेने का नहीं। भाई कैलाश बोला सविता भाई को, कोई रेणुका भाई को, भाई टेंशन लेने का नहीं, टेंशन फ्री रहो। ये मेला है, ये भगवान का मेला है, ये सेवालाल महाराज का मेला है, ये अपने हक के लिए अपन मांग रहे हैं, अपन कोई भीख मांग रहे नहीं, कोई सरकार से भीख नहीं मांगेंगे, क्यों? अपना समाज मेहनती है, कष्ट करने वाला है, रोड पे काम करने वाला है, खेती में काम करने वाला है, फैसले पैदा करने वाला है, जो भी अपना मेहनत का काम सिर्फ बंजारा समाज कर सकता है, बाकी का समाज कहीं नहीं कर सकता है। बाकी का समाज ये हमारा काम करके बताओ, कोई नहीं कर सकता। मैं कॉन्फिडेंस के साथ में सब मीडिया वाले को बता रहा हूँ, पत्रकार को बता रहा हूँ और यहाँ के नेतागण को बता रहा हूँ, सच्चा समाज हमारा है, धर्म हमारा सच्चा है। क्यों हमारे घर पे कोई आने वाला, कोई भिखारी रहा, कोई नेता रहा, कोई नहीं का व्यापारी रहा, कोई अधिकारा रहा, तो हमारी अम्मा उसको एक गिलास पानी पीने को देती, उसकी उसकी चाय पिलाती, उसको उसको बोलती भैया तुम किधर आए, किसे मिलना है, ऐसा नहीं क्या? इज्जत के साथ उनका सम्मान भी किया जाता है। ये धर्म रखने वाला ये हमारा समाज बहुत बड़ा महान समाज है।
Oh.